बिल्कुल मोमबत्ती से भी कम अगर गैस आ जाए ना आपकी, तो ये उसको बढ़ा के बिल्कुल लेवल कर देगी, बराबर कर देगी। ऑटोमेटिक चार्जर है, चार्ज हो गए खुद कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल चार्जर होता है, ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक चार्जर। ये भी गैस की मशीन है? जी जी, ये बैटरी पे भी चलती है और बिजली पे भी चलती है। इसका कुछ भी टूट फूट जाए, एक तो पहली बार ये टूटता नहीं, अगर टूट फूट भी जाए तो उसका इजिली आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। चार्जर रखे हुए पानी वाली बैटरी, ड्राई बैटरियों के लिए, ट्यूबलर बैटरियों के लिए आपको सारे चार्जर मिल जाएंगे। ये कितने कितने के? रिचार्जेबल फैन जी, इसका इतना पंखे का है, और हमारी वर्ष को इसमें भी 500 रुपए की बचत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे व्यवर्स आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यवर्स आज मैं मौजूद हूँ सदर रेगल चौक पर, और आने की रीजन यहाँ पर यह है कि लाइट की परेशानी शुरू हो गई है और मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए रिचार्जेबल फैन ढूंढ रहा हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाए, एक्सप्लोर की जाए, कि मतलब ऐसी जगह जाया जाए जहाँ मैं अपनी खरीदारी भी कर सकूँ और वो मार्केट में एक्सप्लोर भी कर सकूँ। यहाँ पर जो है काफ़ी वैरायटियाँ मैंने देखी, लोकल भी है, बाहर के भी मिल रहे हैं, और प्राइसेस जो है यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ होलसेल में। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अभी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाजी हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही शॉप पर खड़ा रहकर, एक या दो शॉप पर खड़ा रहकर वो एक्सप्लोर करूँ और तसली से आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए जी, वीडियो का करते हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? आप सुनाएं। जगह पता है, जगह कौन सी है? सर ये रीगल चौक है, कोऑपरेटिव मार्केट सामने जगह है, सामने रीगल चौक का एरिया है, ठीक है, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव मार्केट है, मेन कोऑपरेटिव मार्केट के कॉर्नर में पहली शॉप, बिल्कुल कोने वाली शॉप है हमारी। जैसे रोड से एंटर होंगे तो उल्टे आते हैं, पहली शॉप है हमारे पास। क्या क्या होता है अहमद भाई? सर रिचार्जेबल फैन होते हैं, इसमें ये देख लें, रिचार्जेबल फैन जी। इसका इतना पंखे का है जी जी। अच्छा, बैकअप भी अच्छा है, तकरीबन 2 घंटे का बैकअप है। 2 घंटे का बैकअप है ये। 3500 रुपए का इसका रेट है, लेकिन आपके व्यूअर्स को दे देंगे 3000 रुपए का। 3000 रुपए का? अच्छा, कितनी देर चार्ज करना पड़ता है इसको? तकरीबन 2 घंटे चार्ज करना है प्लग इन करके, ठीक है, 2 घंटे चार्ज करना है और 2 घंटे का इसको बैकअप। 2 घंटे का बैकअप है? 2 घंटे का बैकअप मिलेगा। अच्छा, इसकी कोई गारंटी वगैरह? सर इसकी गारंटी आती नहीं है, लेकिन ये चेकिंग वारंटी दे देंगे व्यूअर्स। कितनी देर की, कितने दिन की चेकिंग वारंटी मिलेगी? 3 दिन की चेकिंग वारंटी दे। 3 दिन की? बैकअप में कोई भी शिकायत हो उसके जवाबदार हम आप हैं। बिल्कुल। अच्छा, और खुदा ना खासा इसमें कोई खराबी हो जाए, कोई रिपेयरिंग? रिपेयरेबल है, रिपेयरेबल है, कोई भी मसला होता है रिपेयर हो जाता है। पंखा भी चेंज जाएगा, बैटरी भी और दूसरा आइटम भी? जी जी, इसमें एक बड़ा साइज ये मिल जाएगा आपको, बड़ा साइज। ये कितने उसका है? ये 12 इंच का साइज कहलाता है। तो इसका भी अच्छा है यार जी, है 12 इंच का साइज है? और वो कितने इंच वाला था? 10 इंच का साइज है, हैं? 10 इंच का साइज वो 10 इंच वाला था, ये हो गया हमारा 12 इंच का जी। इसमें भी वही सिस्टम है जी, सेम वही है, बैटरी चार्जर सब कुछ सेम है, खाली पंखे का फर्क है। पंखे में आपको 200 रुपए ऐड हो जाएंगे, इसमें 3200 रुपए का आप व्यूअर्स को दे देंगे। 3200 का? 3700 रुपए के रेट है, 700-800 रुपए। और हमारी व्यूअर्स को इसमें 500 रुपए की बचत हो रही है। जी जी, 500 रुपए की बचत हो रही है। अब इसमें एक ये मिल जाएगा। अच्छा, मुझे इसकी ना जरा अंदर की बैटरी अगर आप दिखाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ये बड़ी बैटरी में, इसको डबल बैटरी भी बोलते हैं, 12-7 की बैटरी भी बोलते हैं। ये तो बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक चार्जर है, कस्टमर की डिमांड होती है ऑटोमेटिक चार्जर में बनाइए तो उसमें हम लोग ये वाला। ऑटोमेटिक किस तरह? ऑटोमेटिक चार्जर है, चार्ज हो गए खुद कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल चार्जर होता है, ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक चार्जर है, मतलब अगर प्लग लगा भी रहे तो ये जी कोई मसला नहीं है, कोई चार्जर खराब नहीं होगा, चार्जर खराब होगा ना बैटरी खराब होगी। अच्छा, देख लीजिए, इजी जी जी, इजी 4 एम्पीयर का चार्जर, 4 एम्पीयर का चार्जर जी, ये आराम से बैटरी चार्ज कर लेगा। बैटरी कितने एम्पीयर की है? बैटरी 7 एम्पीयर की है। चलो दिखाइए, 12 वोल्ट 7 एम्पीयर। ओके, 7 एम्पीयर की जी, न्यू बैटरी है। पंखा हमारा 7 इंच वाला है, तकरीबन ये तकरीबन 4 घंटे का बैकअप देगा, 3 से 4 घंटे का बैकअप देगा। ये 4 घंटे का बैकअप क्यों देगा भाई? ये डबल बैटरी है, ये 7 एम्पीयर की बैटरी भाई, बॉक्स के अंदर जो है वो 4 एम्पीयर की बैटरी है। अच्छा, मतलब बैटरी बड़ी है, बैटरी बड़ी है, ये डबल बैटरी कहलाती है ये, ठीक है। डबल 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का बैकअप देगा और ये चार्ज हो जाएगा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा और ज्यादा बैकअप। और सिर्फ ये इस वजह से कि इसमें ये लगा हुआ है ऑटोमेटिक चार्जर, ये चार्जर अच्छा है, इसलिए क्या नाम है जल्दी चार्ज करेगा, 1.5 घंटे में बैटरी चार्ज करेगा और 3 से 4 घंटे बैकअप देगा। अच्छा, इसलिए अगर हम ये चार्जर लेना चाहते कितने का पड़ेगा? सिर्फ ये चार्जर 1200 रुपए का चार्जर है। 1200 रुपए? इसी को गारंटी वगैरह? गारंटी कोई नहीं आती, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, चेक करा के दे देते हैं हम लोग। इसकी भी चेकिंग वारंटी में मिलेगी? इसकी चेकिंग वारंटी है 3 दिन की। अच्छा, ये अगर हम चाहें किसी बॉक्स बॉक्स वाला, जैसे वो बॉक्स में दिखाया सर, अगर ये बॉक्स में बनवाना है, यही चीज बॉक्स में बनवानी है तो बेसिक बॉक्स में बन जाएगा, बड़ी बैटरी में, ठीक है, छोटी बैटरी में वही 3000 रुपए के रेट होंगे, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक चार्जर में बनवाएंगे तो आपको 3500 रुपए का बनेगा वो वाला, ठीक है। इसी तरह बड़ी बैटरी में अगर आप बनवाएंगे, बड़ी बैटरी में 4 घंटे बैकअप वाली बैटरी में बनवाएंगे तो ऑटोमेटिक के अंदर 5000 रुपए का पड़ेगा,
और मैनुअल में 4,500 रुपए का बॉक्स में मिलेगा। ये आप हमें जो रेट दे रहे हैं सुपर डुपर होलसेल है क्योंकि बिल्कुल ये आपके व्यूवर्स के लिए रेट है, बाकी हम लोग अदरवाइज किसी को डिस्काउंट नहीं देते। पक्की बात है, जो आपकी वीडियो लाइक कर आएगा उसको हम ये डिस्काउंट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये क्या चीज़ है? बाकी ये F17 है हमारा। है F17 ही है। F17 जी। अच्छा ये उड़ता भी ऐसे ही है? उड़ता भी है। अच्छा देखिए इसमें भी आपने बिल्कुल मैनुअल रखा हुआ है, उसको बिल्कुल ओपन रखा हुआ है, ऑटोमेटिक चार्जर रखा हुआ है, बैटरी और ऑटोमेटिक चार्जर। असल में लोग कंपनी वाले ले लेके थक गए, उनका ना बैकअप होता है और उनकी बॉडी बहुत कमजोर होती है, एक झटके में टूट जाती है, ना पार्ट्स मिलता है, बॉडी होती है जी जी, ना पार्ट्स मिलता है, कुछ भी सामान नहीं मिलता। ठीक है, इसका कुछ भी टूट फूट जाए, एक तो पहली बार ये टूटता नहीं, अगर टूट फूट भी जाए तो उसका इजीली आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। अच्छा ये सेम उसी तरह का है लेकिन इसमें स्टैंड का फर्क है? स्टैंड का फर्क है। ठीक है, और ये स्टैंड वाला फैन हमें कितने का देंगे? ये 6,500 रुपए का रेट है लेकिन आपके व्यूवर्स को दे देंगे 5,500 रुपए का, अप एंड डाउन भी हो जाएगा ये 5,500। जिसको टेबल फैन बनाना है उसके लिए टेबल फैन बन जाएगा, जिसको स्टैंड बनाना है उसके लिए स्टैंड बन जाएगा। अच्छा मैंने ये बगैर उसके ऑटोमेटिक चार्जर के भी देखा है, अगर ये बगैर ऑटोमेटिक चार्जर के हो उसमें मतलब मैनुअल वाला हो तो मतलब सप्लाई आप बिजली से चलानी है, सप्लाई इसमें आपको और सस्ता पड़ जाएगा, तकरीबन ये आपको पड़ेगा 2,200 रुपए का। 2,200 रुपए का स्टैंड और एक सप्लाई। मैंने देखा था क्योंकि इस तरह का ना वो बैटरी भी छोटी लगी हुई थी, 1,800 रुपए का दे रहे थे जी जी, और उसमें शायद पंखा भी शायद छोटा था, पंखा छोटा होगा, ये बड़ा पंखा है, ये 10 इंच वाला है? नहीं है, 14 इंच का पंखा है, 14 इंच वाला पंखा है, और क्या नाम है इसकी, कॉपर की मोटर की हमारी गारंटी यार, हमने सुना कॉपर आ ही नहीं रहा इसमें, आप कह रहे हो कॉपर, नहीं हम कह रहे हैं कॉपर की हमारी गारंटी होगी, आप यहाँ से भी देखें बकायदा कॉपर आपको अलग से नजर आएगा। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, कॉपर जो है, हाँ कॉपर नजर आ रहा है जी जी, 100% ये कॉपर है, कॉपर की हमारी गारंटी होगी, 10 साल बाद भी कॉपर ना निकले हमारे सर पे तोड़ के जाएगी। अच्छा बताइए आपने मुझे सब तीन पंखे दिखाए, तीन या चार? जी जी तीन पंखे दिखाए, तीन या चार जो भी दिखाए सब में कॉपर लगा हुआ है? जी जी 100% कॉपर की हमारी गारंटी होगी, और किसी चीज की? और ये जो मोटर है, और ये जो मोटर है ये किसी गाड़ी वाड़ी की है या किसकी है? ये न्यू है, ये न्यू मोटर होती है, ये न्यू मोटर है, गाड़ी वाड़ी की कोई भी निकलेगी नहीं, सारी ये चाइना से इम्पोर्ट होके आती है। पक्की बात है जी जी। देखिए हम आपको जो भी चीज दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं हमारे चार्जर्स वगैरह दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए ये रखे हुए सर चार्जर। ये मुझे आपकी जो सबसे बेस्ट बात लगी वो ये लगी कि आपके कॉपर वाली चीज़ें हैं, आजकल कॉपर वाला आइटम कोई नहीं रहा है देंगे आपको, बाकी ये चार्जर रखे हुए पानी वाली बैटरी, ड्राई बैटरियों के लिए, ट्यूबलर बैटरियों के लिए आपको सारे चार्जर मिल जाएंगे। ये कितने कितने के? सर ये 1400 रुपए के चार्जर है, 10 एम्पीयर के 1400 रुपए के, 20 एम्पीयर वाले लेंगे इसमें आप तो आपको ये पड़ेगा 2,000 रुपए का, बाकी डिजिटल में लेंगे 10 एम्पीयर का आपको डिजिटल में पड़ेगा 2,200 रुपए का, 2,200 रुपए का। बाकी ये 30 एम्पीयर का चार्जर है, 30 एम्पीयर का चार्ज पड़ेगा आपको चार्जर 3,000 रुपए का, 30 एम्पीयर का चार्जर हमें पड़ेगा 3,000 रुपए का। ये क्या आइटम पड़ा हुआ है? सर ये गैस मशीन है, अभी ये सर्दियों गैस प्रेशर, सर्दियों में इसकी बड़ी डिमांड होगी। अच्छा ये कितने का? ये आपकी लोग है, इसको इंक्रीज करेगा, ये 1,350 रुपए का, 1,350 जी। अच्छा मैंने बिस्मिल्लाह मार्केट का आपने देखी है सुपर हाईवे पे? जी जी। वहाँ हमने एक आइटम दिखाया था अपने व्यूअर्स को, वो था पानी वाला पंप। नहीं नहीं वो छोटा था, बिल्कुल छोटा था पंप होगा, वो पानी वाला मोटर लगी हुई थी उसमें, बोला यहाँ पाइप लगेगा, यहाँ पाइप लगेगा, ये आपका प्रेशर बनाने का पंप 5,500 या 5,550 वीडियो में दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो व्हाइट वाला पंप होगा, वो डीसी पंप होता है वो? नहीं पंप नहीं, पंप नहीं था वो, सिंपल वही बनाने का प्रेशर बनाएगा आपका, और 550 रुपए। सर वो गैस के लिए नहीं होता वो? नहीं नहीं गैस के, बोला उसने, मैंने पूछा स्पेशली क्या चीज है, कह रहा है गैस के लिए। चेक करा के देगा आपको? चेक करा के देगा, दुनिया को दे रहा है यार वो, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसकी कीमत बहुत मुनासिब थी, लेकिन ये कॉइल इसकी बड़ी होती है, मेन चीज की कॉइलों के पैसे है, कॉइल लगी हुई होती है, 800 रुपए की सिर्फ कॉइल है, फिर बाकी बॉडी है, फिर इसके सर्किट है, और भी चीज है। अच्छा कितना प्रेशर होगा गैस का तो ये काम करेगा? सर ये बिल्कुल मोमबत्ती से भी कम अगर गैस आ जाए आपकी तो ये उसको बढ़ा के बिल्कुल लेवल कर देगी, बराबर कर देगी। अच्छा गैस बढ़ा, कितने चूल्हे जल जाएंगे इसमें? तकरीबन 2 से 3 चूल्हे जल जाएंगे, चल जाएंगे, मतलब खाना पूरा सही तरीके से जाएगा। इसी में अगर 12 लेंगे ये 1,350 गारंटी वगैरह इसका ऊपर हुआ है, नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं आती है, यहाँ से चेक करा के देते हैं यार, किसी चीज की तो गारंटी दो, किसी चीज की भी नहीं है, लीकेज भी हम लोग XYZ हर चीज हम चेक करा के देंगे कस्टमर। अच्छा। को कंप्लेन करके देंगे। अच्छा चेक करा के देंगे, बाकी कोई हमारी जवाबदारी नहीं, चेकिंग वारंटी भी नहीं इसकी, चेकिंग वारंटी भी नहीं। ओके बाकी इसमें 12 वोल्ट वाली चाहिए, 12 वोल्ट वाली मिल जाएगी आपको। 12 वोल्ट वाला क्या आइटम है ये? सही है गैस की मशीन है, ये भी गैस की मशीन है जी जी, ये बैटरी पे भी चलती है और बिजली पे भी चलती है। खोल के दिखाइए ना यार। बिल्कुल खोल के दिखाएंगे आप। अच्छा ये हमने नहीं देखी भाई पहले, वो तो हमने काफी देखी है इसीलिए मैंने आपको उसका रेफरेंस दिया था। गैस की मशीन है और ये बैटरी से ऑपरेटेड है। अच्छा इसको इन किस तरह करेंगे, आउट किस तरह करेंगे वो बताइएगा जरा। बिल्कुल बताते हैं, हमारी दुकान का कोई शॉप का कार्ड वगैरह बिल्कुल दीजिएगा। Hello buddy।
नहीं, बिजली पे लगा रहा, बिजली पे ऑन हो रहा है। देखें थैली खोल देता हूँ, ये देखें ये ऑन हो गया है, ठीक है। बाकी ये इन है, ये मेन लाइन है। अच्छा, यहाँ से होनी है, इधर आप मेन लाइन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप, मशीन से भी वाइब्रेट कर रही है जी, वाइब्रेट करेगी, मोटर चल रही है, ठीक है, और ये आउट करेगी, आउट, ये आउट है। अच्छा, इसके इसको इसको कितना प्रेशर चाहिए गैस का? सर वही जो आपको बताया ना, मोमबत्ती से भी कम गैस होगी ना, तो ये काम करेगी। अच्छा बताएं, हमारे लिए आपकी बिल्कुल ही नहीं आ रही गैस तो नहीं काम करेगी, कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। नहीं, अच्छा बताइए, हमारे लिए ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? सर इसमें अगर आप 12 वोल्ट में अगर बेहतरीन वाली चाह रहे हैं तो फिर आप ये देख लें, बैटरी कॉपर का पंप है जी, बैटरी पे भी चलेगा, बिजली पे भी चलेगा, कॉपर का पंप है इसका, ठीक है। और इसकी जो रेट है मार्केट में तकरीबन 2500-2700 रुपए इसके रेट है, ठीक है, लेकिन हम लोग व्यूअर्स को दे देंगे 2100 रुपए की। 2100 रुपए का जी जी, और 100% कॉपर होगा, लिख के देंगे हम लोग। अच्छा, उसका बिल पक्का बना के देंगे, उस पर कॉपर लिख के देंगे, कॉपर ना निकले आप पूरे पैसे लेके जाइएगा, ठीक हो गया। अच्छा, हमारी जितने भी आइटम है ये तो मेरे ख्याल में लोकल बने हुए हैं जी जी, कराची या लाहौर में, इस तरह ऐसे ही है ना? ऐसे ही कराची या लाहौर के बने हुए, ये भी मेरे ख्याल में ऐसा ही है जी। ये आई थिंक ये बाहर का, ये चाइना है, चाइना वाले हैं, इनके रेट थोड़े ऊपर है, 1350 रुपए। गुड हो गया। अच्छा, हमारी वेस्ट के लिए कोई कार्ड वार्ड शो कीजिए अपनी शॉप का। आपने ऑनलाइन का तरीका नहीं बताया, ऑनलाइन किस तरह करते हैं? ऑनलाइन का तरीका ये सर, आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट करेंगे हमें और अपना ऑर्डर बुक करेंगे, ठीक है, तो पूरे कराची में जहाँ भी आप रहते हैं आपकी डिलीवरी हो जाएगी 300 रुपीज चार्जेस, 300 रुपए जी। एक अच्छा, से दो दिन मौजूद है सदर के एरिया में। अच्छा, सदर का जो करीबी एरिया उसमें 300 रुपए लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पूरे कराची में कहीं से भी, बेशक आप सरजानी से हो, वो तो ठीक है, सरजानी दूर है, तुम्हारा 300 रुपए सही लगते हैं। अगर सदर का कोई करीब का एरिया है? सर सदर का कोई करीब का एरिया होगा तो उसके लिए हम अर्जेंट कर देंगे, अर्जेंट में जो बाइकिया के चार्जेस होंगे। अच्छा, बाइकिया के थ्रू करेंगे? बाइकिया के थ्रू करेंगे, बाइकिया के थ्रू करेंगे, अगर अर्जेंट में करवाएंगे तो जो चार्जेस होंगे वो आपने पे करने पड़ेंगे। ओके, देख लीजिए, कार्ड ही पूरा आपको शो कर रहा हूँ, कार्ड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इनका नंबर इनका मेंशन है, तरीका कार्ड इन्होंने ऑनलाइन का बता दिया, जितने आपको आइटम दिखाएंगे सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले लीजिए, अगर शॉप पर आके तसली करके लेना है तो भी ले लीजिए, ये आपको जो चीज़ बताएंगे, जो चीज़ हम देंगे वही आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल पर किस किन की वीडियो देखना चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।